नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्र सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सीमा पर शांति की बात करता है, लेकिन वही पाकिस्तान हर रोज सीज फायर का उल्लंघन भी करता है। और अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, और जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत 4 BSF के जवान शहीद हो गए। आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। कुछ दिन पहले ही दोनों DGMO की बातचीत हुई थी, यानी भारत के DGMO और पाकिस्तान के DGMO ने फोन पर बातचीत की थी, और उसमें ये रास्ता निकाला गया था कि दोनों देश शांति बनाए रखेंगे, किसी भी तरफ से फायरिंग नहीं होगी। और उससे पहले रमजान का महीना जब शुरू हुआ था, तब भी गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिए थे कि जो सुरक्षा बल हैं वो ऑपरेशन अपना बंद कर दें, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। ये सब बातें इसलिए ध्यान में रखकर की गई थी कि रमजान का एक पवित्र महीना है, उसमें ऐसी गोलीबारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। हर रोज सीमा पर फायरिंग हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, और जब से गृह मंत्रालय ने गोलीबारी रोकने के आदेश दिए हैं, तब से ये सीज फायर की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं। और अब एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं, तो वहीं 5 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।